करने की चाहत हो तो उम्र कभी नहीं रुकती, इसका अच्छा उदाहरण गोंदिया जिले में देखने को मिल सकता है। जी हाँ, ये सच है कि 81 साल के मुन्ना यादव दुबई में मैराथन दौड़ने जा रहे हैं और ये कर दिखाया है गोंदिया के मुन्ना लाल यादव बुजुर्ग ने। गोंदिया शहर के रहने वाले मुन्ना लाल यादव दोनों पति पत्नी हैं, जो गाय की दूध से अपनी जीविका चलाते हैं। दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं, ऐसे में मुन्ना लाल यादव को भागने की बहुत इच्छा है। इस उम्र में भी उन्होंने भारत में कई जगहों पर वरिष्ठ नागरिकों की दौड़ में भाग लिया और कई पुरस्कार जीते। कुछ दिन पहले ही उन्होंने देहरादून में वरिष्ठ नागरिकों की दौड़ प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीते थे और इसी के चलते मुन्ना लाल यादव का चयन दुबई में हैमर स्पोर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन की दौड़ प्रतियोगिता के लिए हो गया। ऐसा सवाल बालक यादव के सामने खड़ा था, जबकि गोंदिया के विभिन्न लोगों ने उनकी आर्थिक मदद की और उन्हें दुबई का टिकट दिया। साथ ही वह ऊंची कूद में भी हिस्सा लेंगे और उन्होंने पूरा विश्वास जताया कि दुबई में होने वाली प्रतियोगिता में वह पदक जरूर जीतेंगे। इसके पहले मैं भी देहरादून गया था तो वहाँ से 3 गोल्ड मेडल लाया, 100 मीटर, 200 मीटर और 5 किलोमीटर में, और उसके बाद में अभी हाल में ही मेरे को दुबई जाने का मौका मिला है, जिसमें काफी लोगों का अच्छा सहयोग मिला और जिस कारण मैं जा रहा हूँ। और इसमें मेरे 100 मीटर है, 200 मीटर है, 5 किलोमीटर है और लॉन्ग जंप है, इसकी मैं सारी तैयारी कर चुका हूँ और इसके लिए अपने ट्रायल भी ले चुका है और वहाँ भी जाके मैं गोल्ड मेडल लेके ही आऊँगा। ये 27 तारीख को है 100 मीटर और 3:30 बजे है 27 तारीख को 200 मीटर। क्या उम्र है अभी आपकी फिलहाल? 81 चालू है। 35 साल से ऊपर वाले जितने हैं सब आते हैं, 90 साल तक के आते हैं। गोंदिया से फिलहाल मैं अकेला ही हूँ। मैं 67 साल से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसका मैंने पिंड नहीं छोड़ा, आज भी चालू है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रहा हूँ। 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ 30 मिनट में, लॉन्ग जंप है 11.5 फुट, 100 मीटर कभी 20 सेकंड आता है, कभी 18 सेकंड आता है, 200 मीटर कभी 40 सेकंड आता है, कभी 38 आता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। ये तो पूरा 100% भरोसा है और सभी लोगों की दुआ है मेरे पास, जिससे मैं हार तो सकता नहीं, पक्की बात है कि जीत जाऊंगा और अपने गोंदिया का नाम रोशन करूंगा। इसमें कई बच्चे, बूढ़े, जवानों सबको एक प्रेरणा मिलेगी कि खेल कूद की कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है और खेल कूद में आज बहुत अच्छा मौका मिल रहा है बच्चों को, तुरंत में रास्ता मिल जाता है। हमको ये रास्ता बहुत लेट मिला, जिसके कारण मैं कई जगह से वंचित रहा, लेकिन फिर भी मैंने अपना प्रयास जारी रखा, कर से मिलना चाहिए। और एक बुजुर्ग आदमी, मेरे पास कोई कमाने वाला तो है नहीं, हम पति पत्नी दोनों हैं, लेकिन बुढ़ापे में अगर कोई तकलीफ होगी तो इसका सहारा कैसे करेगी। मेरे पास कुछ गाय है जिसका दूध मैं निकाल के बेचता हूँ और उसी से अपना घर का पालन पोषण करता हूँ। गोंदिया से BCN न्यूज़ के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।